The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। सो दोस्तों, आप आज जन्माष्टमी का आप लोगों को बहुत बहुत हमारी शुभेच्छा और शुभकामनाएं, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई सभी को जन्माष्टमी की। और श्री कृष्ण भगवान जी के का मेहर पर हाथ सबके सर पे रहे। हाँ जी, तो आज हम सोच रहे थे क्या वीडियो बनाए, तो हमारा जो दिमाग में आया, एक महाशय जी के दो तीन बार मैसेजेस आए हमें रिक्वेस्टिंग अ वीडियो ऑन वन टॉपिक। तो मैंने कहा चलो, आज के दिन किसी की इच्छा पूरी करना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आज हमने एक वीडियो बनाया है पैनक्रियाटिक सूडो सिस्टम। इससे पहले कि आप सोचिए क्या चीज़ें हमारे काम का नहीं है, काम का क्यों नहीं है, सबके काम का होता है कहीं ना कहीं, सुन लीजिए। और क्या है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्रंथि होती है पैनक्रियास, तो डाइजेशन का काम तो सभी का है। और भैया, इसमें अगर कोई गांठ बन जाए, मोटी गांठ कैसे बनती है, क्यों बनती है, किसी को कोई लक्षण होते हैं, क्या होते हैं, किसी को भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, तो कैसे पता चलेगा किसी को है नहीं है, और उसका इलाज क्या है, उसके सिम्टम क्या है, क्योंकि ब्लोटिंग, पेट में दर्द तो सभी को होता है कभी ना कभी, किसी ना किसी को, तो भाई कहीं आपको तो नहीं, कहीं आपको दिक्कत तो नहीं, तो समझ लो है ना, उल्टी आना ये आना क्या क्या होता है, इसमें क्यों होता है। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो और अपने तरफ से मुझे जरूर नीचे कमेंट करके बताना कौन कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए, ताकि हम और वो टॉपिक्स को कवर करें, राइट। सो एज अगेन द इंफॉर्मेशन इज रेफरेंस फ्रॉम US नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी एंड इट इज एन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ऑलराइट। सो पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट का मतलब होता है, सिस्ट का मतलब होता है पानी भरी थैली, सैक, एक सैक जिसमें पानी भरा है, और पैनक्रियास आपके पेट में होता है, तो ये पानी भरी थैली पैनक्रियास के ऊपर है और पैनक्रियास से निकली है, बेसिकली पैनक्रियास से निकली हुई पानी भरी थैली, राइट। इसके अंदर और कुछ पैनक्रियास, पैनक्रियास के टिश्यू हो सकते हैं, पैनक्रियास के एंजाइम्स हो सकते हैं, कि पैनक्रियास क्या बनाता है, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है। आप खाना खाते हो, आप चर्बी आप खाते हो, तेल घी बटर मक्खन मलाई, उसको डाइजेस्ट करने के लिए अमाइलेज लाइपेज नामक एंजाइम्स बनाता है, राइट। और कभी कभार इस, तो वो इस सिस्ट में, थैले में हो सकते हैं, इस सैक में, और उसके साथ ब्लड हो सकता है, केवल पानी हो सकता है। सो पैनक्रियाज एक ऑर्गन आपके स्टमक के पीछे, आपका जो पेट है जिसमें खाना आता है उसके पीछे होता है और एंजाइम्स डाइजेशन के लिए बनाता है। इसके अलावा पैनक्रियाज जो है आपके शुगर वाले पेशेंटों के लिए बहुत जरूरी, इंसुलिन पैनक्रियाज बनाता है, ग्लूकागॉन नामक एक और हार्मोन बनाता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये शुगर लेवल्स मैनेज करते हैं, राइट। इंसुलिन जो है शुगर को खून से सेल में डालता है, ग्लूकागॉन जो है वो शुगर बढ़ाता है, यानी खून में बढ़ाता है। सो पैनक्रियास में ऐसा क्यों, सूडोसिस्ट क्यों बन जाएगा? नॉर्मली ये बनता है पैनक्रियास के इन्फेक्शन के बाद, यानी इन्फ्लामेशन अगर हो किसी भी कारणवश, पैनक्रियाज में इन्फेक्शन हो या इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन का फर्क अगर आप नहीं जानते तो हमें अच्छे से फॉलो नहीं करते। इन्फेक्शन के बगैर भी एलर्जी या ऑटो इम्यून डिजीज या किसी भी कारण, चोट लगने भर से भी इन्फ्लामेशन होता है। चोट लगने से लाल हुआ तो इन्फेक्शन नहीं है, वरना लाल तो इन्फेक्शन से भी होता है, चोट लगने से जो हुआ वो इन्फ्लामेशन है, राइट। सो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन दोनों हो सकते हैं पैनक्रियाज में, दोनों में कुछ भी हो, तो सिवियर केसेस जब हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कहीं पर भी चोट लगे या इन्फेक्शन हो तो हम जानते हैं कि वहां से पानी निकलता है ना, मच्छर काटे तो पानी निकलता है, वैसे भी चोट लगे तो सूज जाता है, पानी निकलता है, पानी का बॉडी जो है वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ा देती है, वहां पानी आने लगता है, वहां पे सूजन आने लगती है। सो ये बॉडी का रिस्पॉन्स है। तो पैनक्रियाज में जब भी चोट लगेगी, इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा सिवियर लेवल का, तो वहां बहुत सारा पानी जमा हो जाएगा और वहां से वो इकट्ठा होके एक सिस्ट बन सकता है, एक गांठ बन सकती है। और पैनक्रियाटाइटिस जो है, ये मैंने जैसे बताया, बहुत सारे पैनक्रियाटाइटिस का एक अलग वीडियो है, राइट, पैनक्रियाटाइटिस का वीडियो देख सकते हो वो समझने के लिए। और ये पैनक्रियाटिक सिस्ट जो है
क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में भी कभी कभी बन सकती है, लंबे समय में बीच बीच में अगर पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो रहा है तब भी हो सकता है, या पेनक्रियाज या पेट में चोट लगी फूम, पेट बच्चों को किसी को ज्यादा खेल कूद में या कहीं किसी को भी लग गई तो भी हो सकता है। तो सूडोसिस्ट इस कारणों से बन सकता है। अब सूडोसिस्ट होगा तो कब होगा, जब पेनक्रियाज से निकलने वाली जो डक्ट है, पेनक्रियाज का एक एक ड्रेनेज सिस्टम है कि जो बनेगा वो आपके इंटेस्टाइन्स में जाके गिर जाएगा ताकि खाने से मिलके डाइजेस्ट करे, है कि नहीं। अगर वो ट्यूबिंग डैमेज हो जाए और फ्लूइड एंजाइम्स जो है बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो जमा होता जाएगा और सिस्ट बनता जाएगा, सिंपल एज अ पिंपल, है कि नहीं। तो ये सिस्टम है। सो चोट लगने में भी हो सकता है। सो सिम्टम क्या आएंगे, आप ऑब्वियसली खाना नहीं डाइजेस्ट कर पाओगे, तो जब खाना खुद नहीं डाइजेस्ट कर पाओगे, ये नहीं निकल रहा है, एंजाइम्स नहीं आ रहे हैं, तो वो खाना जो है नीचे जाएगा और आपके पेट के बैक्टीरियाज उसको, नॉर्मल बैक्टीरियाज को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे और वहां पे फर्मेंट करेंगे और ब्लोटिंग होगा, पेट फूलेगा आपका। उसके अलावा कई बार पैनक्रियाज में और पेट में दर्द हो सकता है बिकॉज ये जो है ये ब्लॉक्ड है ट्यूब और पेट में ब्लोटिंग भी हो रहा है, और इसी की वजह से आपको नौजिया वॉमिटिंग भी हो सकता है। जब भी खाना खाओगे पेट फूलेगा फूलेगा तो किसका मन करेगा खाने का, तो लॉस ऑफ एपेटाइट भी होगा, और साथ ही क्या होगा खाने में डाइजेशन में तो ईटिंग में भी मुश्किलात हो सकती हैं, डाइजेस्टिंग फूड में प्रॉब्लम हो सकता है। इसको डायग्नोस करने के लिए पेट को फील करें, आप तो नहीं करेंगे, डॉक्टर फील करेगा, तो कभी कभी पेट के बीचों बीच ऊपर ऊपर में लंप यानी गांठ महसूस हो सकती है अपर एब्डोमेन या मिडल पे, और इसको डायग्नोसिस करने के लिए पेट का अल्ट्रासाउंड, पेट का MRI, पेट का CT स्कैन या एंडोस्कोपिक डायग्नोसिस चारों प्रकार से किया जा सकता है। नॉर्मली अल्ट्रासाउंड में ज्यादा बड़ा हो तो दिख जाता है, छोटा मोटा हो तो फिर CT स्कैन MRI करना पड़ता है। अल्टीमेटली ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कितना बड़ा सिस्ट है और क्या ये इसका कारण क्या है। ज्यादातर याद रखिए भगवान ने बनाया सिस्टम है, ज्यादातर जो सिस्ट है खुद ही ठीक हो जाते हैं, खुद ही चले जाते हैं, समय के साथ रास्ता बन जाता है वापस ड्रेनेज होने का और अपने आप ठीक हो जाते हैं। और अगर वो सिस्ट, पहली चीज हमें देखना पड़ेगा हो रहा है या नहीं, तो 6 हफ्ते बाद वापस चेक करें, यानी 2 महीने बाद, 1.5-2 महीने बाद फिर से अल्ट्रासाउंड करके देखें, साइज कम हो रहा है, छोटा हो रहा है। और अगर वो सिस्ट 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा है डायमीटर में, तो फिर उसको कई बार ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। ट्रीटमेंट में कई बार उस हमको ड्रेन करना पड़ता है कि उसमें इतना पानी भर गया, इतना वो भर गया एंजाइम, तो उसमें सुई डाल के CT स्कैन गाइडेड सुई डाल के ड्रेन करना पड़ जाता है, या फिर एंडोस्कोप के थ्रू, एंडोस्कोपिक असिस्टेड ड्रेन एंडोस्कोप के थ्रू भी ड्रेन किया जा सकता है। एंडोस्कोप मतलब मुंह से नली डाल के ड्रेन किया जा सकता है कैमरे वाली ट्यूब अंदर तक जाके, या फिर अल्टीमेटली पेट खोल के ऑपरेशन किया जा सकता है कि ट्यूब सिस्ट निकाल दो और एक कनेक्शन बना दो जो सिस्ट है उसका अपने इंटेस्टाइन से, ताकि अच्छे से ड्रेनेज हो सके। ये 3 तरीके हैं अल्टीमेटली अगर सिस्ट जो है 5 सेंटीमीटर के ऊपर है 6 हफ्ते के बाद भी। सो अल्टीमेटली प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, मतलब कोई जान जाने वाली प्रॉब्लम नहीं आती है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, और ऐसा कुछ इस चीज का पेनक्रियाटिक कैंसर के साथ भी कोई लेना देना नहीं है, डोंट वरी। ओके, सो पेनक्रियाटिक सिस्ट का कॉम्प्लिकेशन में सिर्फ इतना हो सकता है कि भी उसमें इन्फेक्शन वाला केस है, एक्चुअल बैक्टीरियल वायरल, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन केस में, बैक्टीरिया वाले इन्फेक्शन में पस बन सकती है, जो सिस्ट के अंदर पस आ सकती है, और अगर कहीं गलती से वो फूट गया तब फिर एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि वो पेट में एसिड आ जाएगा सारा, तो शॉक में जा सकता है पेशेंट और ब्लीडिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा, तो बड़ा सिस्ट होता है इसलिए तो उसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, राइट। सो अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर कभी कभी वो इतना बड़ा है कि आसपास के ऑर्गन्स को प्रेस कर रहा है, तो सिम्टम्स अजीबोगरीब अलग अलग ऑर्गन्स को प्रेस कर रहा है उसके सिम्टम्स आ सकते हैं। सो इस चीज के लिए अगर आपको इसके आसपास की कोई शक की निगाह पे देख रहे हैं तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को जाके मिलें और अपना एक पेट का अल्ट्रासाउंड कराएं, ठीक है। इस चीज को प्रिवेंट करने का कोई तरीका नहीं है, हाँ पैनक्रियाटाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। गॉल स्टोन्स एक बड़ा कारण है गॉल ब्लैडर में स्टोन्स पैनक्रियाटाइटिस का, तो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स अवॉइड करें। अवॉइड कैसे करेंगे, फाइबर ज्यादा खाइए और तेल घी बटर मक्खन मलाई जो है उसको प्रोपोर्शनली खाइए, नहीं कभी ज्यादा खा ले कभी कम खा ले, रेगुलरली बिल्कुल कम खाइए। उसके अलावा पैनक्रियाटाइटिस दारू पीने से भी होता है, तो दारू कम पीजिए, और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो तो भी होता है उसको मैनेज करिए।
तो ये पूरी जानकारी है आपकी पेनक्रियाटाइटिस के वजह से बनने वाले सुडोसिस्ट की। जरूर अगर आपने इसको देखा है आखिरी तक तो लाइक कमेंट एंड शेयर तीनों करना है। लाइक करो, कमेंट पे कुछ भी लिखो कि मैंने देखा या मुझे अच्छा लगा, मैंने शेयर किया, इट इज़ इम्पोर्टेंट, प्लीज डू दैट। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।